students, I am start the first class with the terminology of the newborn. I am class the video recording, and this class is video recording to see the board. And second class में हम assessment of the newborn लेंगे. Newborn में पहले लेंगे हम newborn exercise में और इसका introduction. तो assessment of newborn में introduction में ये रहेगा. यानी आकलन असेसमेंट का मतलब आकलन के न्यूबोर्न का आकलन किस प्रकार करते हैं. तो न्यूबोर्न असेसमेंट ऑफ द 24 मंथ्स आफ्टर द बर्थ, यानी जो असेसमेंट है वो न्यूनेट के पहले होने के 24 मंथ्स चलता है. इसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रीटर्नल और मेटर्नल हिस्ट्री को इंक्लूड करते हैं. मेटर्नल हिस्ट्री लाइक इज पेरिटल एंड और मेटर्नल हिस्ट्री इज प्री एंड पोस्ट इलनेस कंडीशन मैच्योरिटी एंड अदर कॉम्प्लिकेशन. सेकेंड लेते हैं हम इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन की बात लेते हैं असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न में. फर्स्ट टाइप है इमीडिएट असेसमेंट विद अफगान स्कोरिंग. इमीडिएट असेसमेंट का मतलब ये है कि तुरंत हमें असेसमेंट करना है आफ्टर बोर्न आफ्टर बर्थ. तो उसमें ये लेते हैं कि इसका मेन जो पर्पज होता है जो बेस्ट होता है वो हमारे न्यूबॉर्न के रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट, रिफ्लेक्स ऑफ ओरिबिलिटी, मसल स्टोन्स, स्किन कलर्स एंड अदर एबनॉर्मल एनोटीज पे डिपेंड करता है इमीडिएट असेसमेंट. इमीडिएट असेसमेंट का मेन जो पर्पज होता है इनिशियल असेसमेंट. इनिशियल असेसमेंट में हम ये लेते हैं कि जो नीड ऑफ द रिसेप्शन एंड असर्टन ऑफ द गेस्टेशन एज एंड एनी डिसऑर्डर या एनी एबनॉर्मलिटी. तो फर्स्ट लेते हैं हम अफगार स्कोर. अफगार स्कोर में क्या है, कोई अदर प्रॉब्लम होता है उसमें हम अफगार स्कोर उसको स्कोरिंग करते हैं. तो अफगार स्कोर में ये होता है कि सेकेंड टाइप इज द ट्रांजिशनल ऑफ असेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी फिजिकल. थर्ड इज फिजिकल असेसमेंट और इज गेस्टेशन एज ऑफ असेसमेंट. तो ये फोर टाइप है असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न में. हम स्टेप बाय स्टेप सभी टाइप्स को लेंगे. तो पहले मैं ले रहा हूं इमीडिएट असेसमेंट विद अफगार स्कोरिंग. इमीडिएट असेसमेंट में आपको डिस्क्राइब कर दिया है तो मैं इसको इनिशियल या इमीडिएट असेसमेंट जो बेस होता है वो ऑन होता है उस पर जो ऑब्जर्वेशन है जो मेन ऑब्जर्वेशन रहता है वो नीड टू डिसेशन रिसेक्टिवेशन जो मेन पर्पज है रिसेक्टिवेशन या असर्टन ऑफ गेस्टेशन एज गेस्टेशनल थर्ड एनी एब्नॉर्मलिटी और एनी डिसऑर्डर. तो इमीडिएट असेसमेंट का जो मेन पर्पज है वो ये है. ये फोर्थ कौन होता है इसमें जो 24 फोर्स यानी आफ्टर बर्थ हमें अलर्ट होता है. ये जो होता है इमीडिएट असेसमेंट वो 1 और 5 मिनट आफ्टर बर्थ होता है. तो ये है इमीडिएट असेसमेंट या इनिशियल असेसमेंट. अब लेते हैं हम जिसमें देखो कि अफगार स्कोर. अफगार स्कोर आदि कोई प्रॉब्लम हो अदर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसे अफगार स्कोर से स्कोरिंग करते हैं. अफगार स्कोर जो डॉक्टर वर्जीनिया जीनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया. कब किया गया, 1952 में. इसको वर्जीनिया अफगार कहते हैं. इसका डॉक्टर इंजीनियर अफगान 1952 में इसको दिया गया. इसका मेन जो पर्पस था या मेन जो अफगान बेस है जो है वह अफगान
आई एविडेंस पल्स टी आई ब्लाइंडनेस एक्टिविटी रेस्पिरेशन एफर्ट। तो अब गलत न्यूज ये हो गया, ए यानी अपीयरेंस पल्स ब्लाइंडनेस एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन एफर्ट, यानी ये जो है ये डेट्स में हमें ऑब्जेक्ट करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर बर्थ। तो जो अपगार है इसको उसको कब एक्ट किया गया, डॉक्टर बीजी ने द्वारा अपगार 1952 में। अपगार स्कोर में ये होता है कि मैन ये स्कोरिंग करते हैं, यानी अपगार स्कोरिंग यानी वे यूनिट कंडीशन के अनुसार स्कोर देते हैं। जो अपगार स्कोरिंग का जो होता है ऑन कंडीशन 0, 1, 2 जैसी कंडीशन होती है उसके हिसाब से ये स्कोरिंग देते हैं। काफी सीवियर होती है तो 0, थोड़ी मॉडरेट टाइप होती है लाइव तो 1, गुड कंडीशन होती है 2। तो ये अपगार स्कोर पता जाता है। जो मैक्सिमम स्कोर जो मैक्सिमम स्कोर होते हैं अपगार में वे 10 होता है और मिनिमम में ये 0 देते हैं। तो ये अपगार स्कोरिंग इसमें होता है। अब अपगार स्कोरिंग हम कैसे ऐसा करेंगे, एपीएस यानी एपीएस स्किन कलर हो गया, जैसे मैं इसको ही इसमें लेता हूँ स्किन कलर से अगर थोड़ी ब्लू कलर है 0, 1 और 2 0, 1 और 2। तो पहले अपन लेते हैं रेस्ट्रिक्शन, अगर एब्सेंट है तो 0, स्लो है या इरेगुलर है तो 1, गुड कंडीशन में है गुड करेंगे तो 2 देते हैं। ये हो गया रेस्पिरेशन। दूसरा रहता है पल्स या एचआर हार्ट रेट, अगर एब्सेंट है या एपनिया है तो 0, स्लो सेकंड में आएगा कि अगर बिलो 100 है तो 1, अबाउट 100 है तो 2। थर्ड में लेते हैं मसल्स कौन लसिड है तो 0, सम सेंसिबल है रेस्पॉन्स तो 1, गुड है या ट्राई है तो 2। फिर रिफ्लेक्स रिलेटेबिलिटी, रिफ्लेक्स रिलेटेबिलिटी जैसे अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है नो रेस्पॉन्स तो 0, अगर सम रेस्पॉन्स है तो 1 और गुड रेस्पॉन्स है तो 2। नेक्स्ट लास्ट है स्किन कलर, ब्लू या पेल है तो 0, पिंक एंड ब्लू एक्सट्रीमिटी कलर है तो 2, पूरी बॉडी अगर पिंक है तो 2। तो ये हो गए अपगार स्कोर में स्कोरिंग का कंडीशन, इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन बॉडी यूनिट के अकॉर्डिंग टू हम इसमें स्कोर किए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम
कि अगर स्कोरिंग की तो स्कोरिंग होती है उसमें हम कैसे मैक्सिमम इंटरवेंशन दे सकते हैं। अगर स्कोरिंग 8 to 10 है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इसी प्रकार कोई डिस्ट्रेस नहीं है तो हम इसमें नॉर्मल रूटीन केयर दे सकते हैं, नॉर्मल रूटीन केयर। अगर स्कोर 4-7 है तो ये कंडीशन थोड़ी मॉडरेट कंडीशन है, इसमें हम सक्शन एंड ऑटोथेरेपी भी दे सकते हैं, सक्शन एंड ऑटोथेरेपी। अगर 0-3 है यदि सीरियस कंडीशन है या सीवियर डिस्ट्रेस है तब हमें रीसक्सेशन की भी आवश्यकता होती है, थेरेपी फेलियर थेरेपी भी लेनी पड़ती है और फर्स्ट एड सीपीआर की भी हो सकती है। तो ये हो गया आपके अफगान स्कोरिंग। अफगान स्कोरिंग में आपने ये किया कि अफगान स्कोरिंग को डॉक्टर इंजीनियर स्कोर द्वारा 185 द्वारा डेवलप किया गया, जिसका मेन बेस था हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, मसल स्टोन, रिफ्लेक्शन, इरिटेबिलिटी एंड स्किन कलर। जो इसमें स्कोरिंग करते हैं, स्कोरिंग का मेन जो मैक्सिमम स्कोर है वो 8-10 होती है और जो मिनिमम है वो 0 होती है। तो ये आपका कमिट हुआ अफगार स्कोर या इमीडिएट असेसमेंट इन अफगार। सेकंड आपके जैसे मैंने टाइप बताया था ट्रांजिशनल असेसमेंट बिटवीन टू ट्रांजिशनल असेसमेंट। ट्रांजिशन असेसमेंट ड्यूरिंग टू रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी टू टाइप्स की रिएक्टिविटी, फर्स्ट 6-8 हो ड्यूरिंग हमें ये रिएक्टिविटी मिलती है कि जब यूनिट 8 बर्थ कौन सी कंडीशन है उसकी उसकी जो एक्टिविटी है वो कैसी है। सेकेंड एक्टिविटी रिएक्टिविटी में क्या होता है कि जब यूनिट जब अवेक कंडीशन यानी जब सो के वो उठता है उस कंडीशन में उसका रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, स्किन कलर्स कैसे रहते हैं, किसी प्रकार की कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, किसी कोई प्रॉब्लम देखिए एसेस करना पड़ता है। सेकंड एक्टिविटी एक्टिविटी है इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांजिशन में सेकंड टाइप से ट्रांजिशन में पहले लेते हैं वाइटिंग साइन। टेम्परेचर इसमें टेम्परेचर को ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि यूनिट में किसी हाइपोथर्मिक कंडीशन तो नहीं है। जो टेम्परेचर लेने की जो कंडीशन होती है वो बाय एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन मेथड होता है, एक्सेलरेशन मेथड के द्वारा हमें टेम्परेचर दिया जाता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर 96.2 99.9 तो ये लो टेम्परेचर कंडीशन होती है। नेक्स्ट इसमें होता है कि हमें कैसे इसकी पल्स ऑब्जर्व करनी है, तो पल्स की नॉर्मल कंडीशन होती है वो 120 to 160 बीट्स पर मिनट BPM। नेक्स्ट होता है इसमें रेस्पिरेशन 30 to 7 RPM रेस्पिरेशन पर मिनट। थर्ड होता है इसमें होप होता है इसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, यानी इसमें पूरा वेंट्रल साइंस में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हमें किस प्रकार करना है। फर्स्ट लेते हैं इसमें टेम्परेचर, टेम्परेचर से बाद में पल्स और सैचुरेशन, सैचुरेशन के बाद में सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये हो गया आपके वाइटिंग साइंस। सेकंड है जनरल बिहेवियर किसी में जो यूनिट की कंडीशन है, पोस्चर कंडीशन है, उसके इफेक्ट है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी मसल टोन एबिलिटी है या उसमें किसी प्रकार की कोई एबिलिटीज है, ये सब हम जनरल बिहेवियर में उसके असेस करेंगे वो किस तरह से ट्राई कर रहा है, तो ये जनरल बिहेवियर में आते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड है फीडिंग बिहेवियर। फीडिंग बिहेवियर फीडिंग बिहेवियर में हम क्या असेस करते हैं, सकलिंग, सोवरिंग रिफ्लेक्स एंड चोकिंग रिफ्लेक्स या जो स्किन कलर्स हैं वो देखते हैं। और इसमें सकलिंग चोकिंग के लिए इसलिए देखते हैं क्योंकि इसमें अगर इसोट्रेकियल फ्लेगस फिस्टुला भी हो सकता है तो वो हमें डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है कि हमें ये पॉइंट जो असेस करना है कि हमें कुछ रिफ्लेक्स में कुछ अगर डिफिकल्टी लगती है
तो इसको पैकेजल फिशुला भी हो सकता है। थर्ड है आपके फोर्स वाली पैटर्न टू पैटर्न ऑफ इफेक्टिव, यानी जो न्यूएंट्स है जो फर्स्ट स्कूल पास करा है न्यूकोनियम एंड ड्यूरिंग 24 घंटे में ऑब्जर्व करना है, हमें एसेस करना है कि उसने किस प्रकार पास किया है, वो एंड कंडीशन सही पास कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर न्यूनेट इस कंडीशन में अगर नहीं पास कर पा रहा है तो न्यूनेट में हम ये एसेस कर सकते हैं एक डिटेक्ट जो कंडीशन है जो इसको कहते हैं रेक्टल मालफॉर्मेशन जो जो न्यूनेट में हो सकती है नॉर्मली ये पाई जा सकती है। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है मेजरमेंट, मेजरमेंट में ये होता है कि हमें न्यूनेट्स का हेड चेस्ट सर्कुलेशन ये सभी मेजर करने हैं, उसमें हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सभी को हम मेजर करेंगे। इसमें न्यूनेट्स का वेट है, वेट जो है वो नॉर्मल जो होता है 250 kg, तो वो एसेस करेंगे, वो मेजरमेंट करेंगे एंड उसकी चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। तो एंड जो 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 नॉर्मल मेजरमेंट की जो नॉर्मल रेट है वो आप जो है यू सीन द डायग्राम या यू सीन द पेज में देख सकते हैं आप आराम से। This is complete the topic first and second point. Assessment, immediate assessment of Apgar scoring. Then second है transitional. Transitional में हमने 5 point लिए हैं, पहला vital signs, दूसरा है general behavior, तीसरा predictive behavior, pattern, तो effective, hope fifth है measurement. तो ये assessment of ball, new ball में हमने 2 point आज today learn किए हैं. Second, third and fourth point में कल की class में है. Tomorrow I am teaching the class. Thank you everyone, all of you.